था, लड़का कोई गलत नहीं था, प्यार करता था, जिससे प्यार करता था करता था, और किसी को थोड़े छेड़ता था जी भाई हम इसको छेड़ दिए उसको छेड़ दिए, ऐसा काम नहीं था उसका। उसने सिर्फ प्रेम किया, प्रेम किया तो क्या प्रेम करना गुनाह है? गुनाह है, ये तो गलत बात नहीं ना है। प्रेम किया तो जो यदि आपको प्रेम नहीं अच्छा लगा तो भाई दोनों को निकाल दो। पप्पू यादव जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 72 घंटे के अंदर में अपराधी जेल में होंगे। 72 घंटे तो कब के हो गए, अभी तक हत्यारा घूम रहा है, तो अभी तक हत्यारा घूम रहा है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे तो हम लोग यही कहने के लिए चाहते हैं जो जल्दी से जल्द कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करने से थोड़े होगा। कोई जान से मारा गया, नेता लोग आकर के बोल देता है जो ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा, तब होगा, इसे न्याय मिलेगा हमको नहीं मिलेगा। अररिया के DSP साहब भी आए थे क्या? उसका तो पता हमको नहीं है, आया भी होगा अररिया में, आया होगा तब, यहाँ तो हम नहीं आए। देखिए छोटू यादव का व्यवहार कैसा था? देखिए छोटू यादव का व्यवहार अच्छा ही था, लड़का कोई गलत नहीं था, प्यार करता था, जिससे प्यार करता था करता था, और किसी को थोड़े छेड़ता था जी भाई हम इसको छेड़ दिए उसको छेड़ दिए, ऐसा काम नहीं था उसका। उसने सिर्फ प्रेम किया, प्रेम किया तो क्या प्रेम करना गुनाह है? गुनाह है, ये तो गलत बात नहीं ना है। प्रेम किया तो जो यदि आपको प्रेम नहीं अच्छा लगा तो भाई दोनों को निकाल दो। अच्छा आप आते हैं यादव समाज से, छोटू यादव, लड़की किस समाज से आती है? वो भी जादवे थी ना, वो भी कोई दूसरा कास्ट थोड़े है, दोनों एक ही जाति के, मतलब लड़की भी जादव, लड़का भी जादव है, जादव दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती कहीं है, गलती तो उनका घर वाले ने किया है कि जो उसको जान से मार दिया, जान से मारना कोई अच्छा काम है? तो ऐसे जब जान से मार दिया है तो हम लोग आप लोगों से यही विनती करेंगे जो प्रशासन से आप लड़िए और हम भी लड़ते हैं जो उसका न्याय दिलाइए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसको, मतलब फांसी का सजा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अभी अभी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रेम कहानी का जो है चर्चा हो रही है, पूरे प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है और इस प्रेम कहानी को जो ख़त्म कर दिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे छोटू के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सबको फांसी होना चाहिए, मर्डर करने वाले छोटू की हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। हाँ, तो मुख्य आरोपी कौन है इसमें? हमको तो नेट टेर है, मुख्य आरोपी वही 7 आदमी है जिन लोगों का नाम दिया गया है। अच्छा ये जो कटिंग कर लेंगे ये जो हत्या हुई है इसके पीछे किनका हाथ है और हत्यारा का नाम क्या है? हत्यारा का नाम है धीरेन्द्र यादव, उसका बेटा का नाम है रविकांत यादव, उसका बहनोई का नाम है पवन यादव, मिथिलेश यादव, और उसका जो है भौजाई आरती का जो भौजाई है उसका नाम है शायद रूबी देवी, ये सब नाम है। तो मुख्य आरोपी रूबी देवी ही है? हाँ, काहे तो छल से वही बुलवाया, को फोन किसने किया था? वही रूबी देवी छल से बुलवाया है, वही खड़यंत्र रचा है, उनके कहने पर छुटवाया है, छोटू गया वहाँ रूबी की कहानी पर छुट्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।